गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी पाठ एग्जाम। देखिए आप लोगों की हिंदी के पाठ एग्जाम में क्या है, बाल लीला है। इसमें जो कृष्ण भगवान जी हैं उनके, इसके जो कवि हमारे कौन है, सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बचपन में जितनी भी वो अपनी क्रियाएं करती हैं या बाल लीलाएं करते हैं उनका इस पाठ में उन्होंने उसका थोड़ा सा क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है, यानी उदाहरण दिया है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ में कवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर, सरस और मनोकारी ही चित्रण किया है। आइए हम लोग अब अपना ये पाठ पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, जय हौ लोट धरनी पै अबही तेरी गोद न ए हौ, सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुह हौ, हौ ही पूत नंद बाबा को तरो सुत न कहियो, आगे आऊं बात सुन मोरी, बल देवहि न जनय हो। इसमें क्या है, इसमें कृष्ण भगवान जी उनसे क्या कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं अपनी माँ से क्या लेने के लिए, खिलौना। और वो क्या करते हैं, यहाँ अपने घर के अंदर से देखते हैं तो बाहर उनको क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये खिलौना है, तो वो अपनी माँ से ये खिलौना को लेने के लिए जिद कर रहे हैं। देखिए हम अपना आगे पढ़ते हैं पाठ। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही यथार्थ वर्णन कवि ने किया है। चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए कृष्ण जी मचल गए हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें चांद ना मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे और अपनी चोटी भी नहीं बधवाएंगे। सुरभि मीन्स क्या होता है, सुरभि मीन्स सुरभि की एक गाय थी। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो सुरभि गाय का दूध नहीं पिएंगे और अपनी चोटी, जो उनकी बेनी, बेनी मीन्स क्या होती है, जो सर की उनकी चोटी होती है, तो क्या कहते हैं कि हम अपने सर की चोटी भी आपसे नहीं गुथवाएंगे यानी बधवाएंगे। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि किन मोतियों की माला गले में नहीं डालेंगे और ना ही वस्त्र यानी कपड़े पहनेंगे और माँ की गोद में भी नहीं आएंगे और धूल में क्या करेंगे, वो लौटेंगे। यशोदा माँ को धमकाते हुए उनका यह भी कहना है कि अब से वे माँ के नहीं बल्कि नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा उन्हें मनाते हुए कान में कहती हैं कि वे कृष्ण से क्या कहती हैं कि कृष्ण के लिए वो चांद से भी सुंदर दुल्हनियाँ लाएंगी और यह बात वो बलराम को पता ना चले कि हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, चांद से भी सुंदर दुल्हन लाएंगे। तो कृष्ण अपने विवाह की बात सुनकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो मान जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पाछे मधुमन मोह पठायो, चार पहर बंसी वट भटको सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, तेरे जिए कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुते नाच नचायो, सूर्यदास तब बिहसी जसोदा लय उरकंठ लगायो। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कृष्ण भगवान है वो जब बचपन में छोटे थे तो क्या करते थे, माखन चुरा के खाते थे। तो जितने भी उनके गांव मोहल्ले के लोग रहते थे वो उनके घर में जाते थे और पहले के ज़माने में जो आपका माखन रहता था तो किस में रखा रहता था, हाड़ी, हाड़ी यानी वो जो आपकी मटकी होती है, मिट्टी की जो आप लोगों ने मटकी देखी होगी उसमें वो लोग ऊपर टगा देती थी रस्सी से बांध के। तो कृष्ण जी क्या करते थे, जाते थे तो उससे मक्खन खा के उसको फोड़ देते थे। तो इस बात के बारे में जब उनको माता यशोदा को पता चलता है तो वो कृष्ण से गुस्सा हो जाती हैं। तो
कृष्ण जी उनको मनाने के लिए क्या कहते हैं कि मैया मोरी, कि मैया मैं माखन नहीं खाया हूँ क्योंकि भोर भय गयन, कि जब सुबह होती है तो आप मुझे सुबह से लेके शाम तक गायों के साथ कहाँ भेज देती हैं, मधुबन में उनको चराने के लिए भेज देती हैं और मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर वो क्या करते हैं कि चार मतलब गायों के पीछे फिर वो सारा दिन भटकते रहते हैं और साँझ यानी शाम होने पर ही, आप लोग गांव में देखते होंगे कि सुबह अगर कोई गाय को चराने ले जाता तो चरा के फिर शाम तक वापस आता, उसी तरह कृष्ण भी अपने गाय को चराने जाते हैं और फिर उसके साथ घूम भाग कर वो शाम को घर आते हैं। फिर मैं बालक बलिहन को छोटो छींको की विधि पायो, वो क्या कहते हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मेरी हाथ क्या है, मेरी उंगली देखिए कितनी छोटी छोटी सी है और जो आपकी ये मक्खन की हाड़ी रहती है वो तो इतनी ऊपर टगी रहती है रस्सी में, तो मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, तो मैं ऊपर उतना ऊपर टगी हुई मक्खन को मैं कैसे पा सकता हूँ। तो कृष्ण जी एक तो चोरी कर रहे हैं, फिर इस पाठ में क्या कर रहे हैं उसकी सफाई भी दे रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, वो ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुंह लपटायो, मतलब क्या कहते हैं कि जो ये ग्वाले हैं और हमारे मित्र हैं, जब वो अपने गाय के साथ जाते हैं खेत उस गायों को लेके मधुबन में जाते हैं तो उनके साथ उनके कुछ मित्र भी रहते हैं, तो कुछ उनके बहुत ही अच्छे मित्र रहते हैं और कुछ कौन रहते हैं, ग्वाले रहते हैं जो अन्न ग्वाले अपने गाय को चराने आते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो ये ग्वाले हैं और ये मेरे जो दोस्त हैं ये सब मेरे क्या हैं, मेरे दुश्मन बने पड़े हैं, तो ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो क्या कहती हैं कि आप मेरे इन लोगों का आप भेद यानी इन लोगों के अंदर की बात आप नहीं जान रही हैं और दूसरों के कहने पर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं माखन चुरा लिया हूँ। तो फिर क्या कहते हैं सूरदास जी सॉरी कृष्ण जी उनसे, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो, फिर कृष्ण जी गुस्सा होने का नाटक करते हैं जबकि यशोदा को पता रहता है कि माखन वही खाए हैं, क्योंकि जब वो माखन चुराने जाते हैं माखन खाते तो उनके मुंह में थोड़ा सा माखन लगा रहता है, इसलिए यशोदा समझ जाती हैं कि माखन यही चुराए हैं, लेकिन इसमें उनके बाल लीला का इसमें चित्रण किया गया है। तो फिर वो अपने माँ से गुस्सा होकर क्या कहते हैं कि ये अपनी लकुटी कमेरिया यानी जब वो गाय चराने ले जाते हैं तो लकुटी यानी क्या होती है स्टिक यानी आपकी जो छड़ी होती है वो हो गई, कमरिया यानी कंबल होता है, तो और लोटा जब वो गाय को चराने ले जाते हैं तो उनको पानी पीने के लिए उनकी मम्मी देती हैं और कमर में कंबल बांध देती हैं, एक कंबल देती हैं और एक डंडी गाय को मारने के लिए या किसी जंगली जानवर को मारने के लिए देती हैं, तो वो ये सब चीज़ वहीं पे रख देते हैं, बोलते हैं कि ये अपना सामान सब ले लीजिए, आपने हमें बहुत नाच नचाया यानी बहुत परेशान किया है क्योंकि मैंने तो चोरी की नहीं फिर भी आपको मेरे बात में भरोसा नहीं है, तो मैं आज से ना गाय चराने जाऊंगा ना मैं कहीं जाऊंगा। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि उनकी ये सब बाल लीलाएँ देख कर जो माता यशोदा रहती हैं वो क्या करती हैं, हंसती हैं और उनको प्यार से उरकंठ लगायो यानी अपने सीने से अपने गले में उनको प्यार से लगा लेती हैं। तो ये आपका लेसन था सॉरी पाठ था। अब देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग खोलिए, इसमें शब्दार्थ लिखा है, तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिखकर इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो आपके अर्थ हैं तो इनके शब्द थोड़े कठिन हैं, जैसे लयहो मीन्स लूंगा होता है, भोर मीन्स प्रातः, जयहो मीन्स जाऊंगा, गयन मीन्स गायो, धरनी मीन्स धरती, केही मीन्स किस, सुरभि मीन्स गाय, पायो मीन्स पाया, बेनी मीन्स बालों की चोटी, जीए मीन्स हृदय, कहेहो मीन्स कहलाऊंगा, लकुटी मीन्स लाठी। तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट है आपका सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट मैया मैं तो खिलौना लय हूँ, इसका आंसर क्या, इसमें क्या आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा। सेकंड मैं ना ही खायो, तो क्या नहीं खाए थे, माखन, तो इसका आंसर माखन हो जाएगा। और इसका थर्ड का सुर भी हो जाएगा, फोर का क्या हो जाएगा, बैर हो जाएगा, और फाइव का बहियन हो जाएगा।
अब देखिए सेकंड में क्या है, कविता की पंक्तियों को हमें पूरा करना है, तो आप लोग अपने पीछे से देख के ये कविताओं की पंक्तियाँ पूरी कर लीजिएगा। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हूँ लेट धरनी पै अबही, तेरी गोद न ऐ हूँ सुरभि को पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहई हूँ, हाँ ही पूत नंद बाबा को तैरो सुतना कहयो, आगे आऊं बात सुन मोरी बल देव ही ना जनए हूँ। तो ये आपकी कविता है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स कविता भरने के लिए आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप देखिए क्या है, इसमें हमें एक पद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़कर हमें क्या करना है, इस पद्यांश को पढ़कर इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो उसको ढूंढना है इसमें हमें। तो देखिए क्या दिया है, कहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, सुरभि को पै पान न कर रही हूँ, बेनी सिर न गुहई हूँ, हाँ ही पूत नंद बाबा को तेरी सुतना कहे हो। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश के रचयिता कौन है और वह किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। तो जो आपका ये पाठ है तो इसको किसने रचा है, तो इसमें हम इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त पद्यांश के रचयिता सूरदास जी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। फिर सेकंड क्या है, कौन किससे रूठ गया है, वो क्या लेने की जिद कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बालक कृष्ण अपनी माँ से रूठ गए हैं और वे अपनी माँ से चंद्रमा को खिलौने के रूप में लेने के लिए जिद करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, कृष्ण जी अपनी माँ को क्या धमकी देते हैं, तो जो आपके कृष्ण भगवान जी हैं तो अपनी माँ को धमकी देते हैं कि यह अपनी लुटिया और कंबल ले लो, अब मैं गाय चराने का काम नहीं करूँगा। देखिए ये जो लिखे हैं शब्द, इनके हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो पै मीन्स क्या होता है बताइए आप लोग, पै मीन्स, तो पै मीन्स दूध होता है, पूत मीन्स क्या होता है, पुत्र होता है, और गुहाइयो मीन्स क्या होता है, आपका बाल संवारना होता है या बाल गुथना होता है, और सुत मीन्स क्या होता है, आपका सुत मीन्स पुत्र होता है। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो श्री कृष्ण अपनी माँ से किस बात की जिद कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण अपनी माँ से चंद्रमा लेने की जिद कर रहे हैं। सेकंड क्या है, माँ भोर होते ही कृष्ण को कहाँ भेज देती हैं, तो इसका आंसर है माँ भोर होते ही कृष्ण को गाय चराने के लिए भेज देती है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कृष्ण की माखन खाने की चोरी कैसे पकड़ी जाती है, तो माखन क्या होता है, उनके मुँह में लगा रह जाता है। फोर, श्री कृष्ण छींके तथा क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण छींके तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनकी बाहें अभी छोटी हैं। अंत में श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या क्या चीज़ें वापस करने की बात करते हैं, तो अंत में कृष्ण जी अपनी माँ को लुटिया और कंबल वापस करने की बात कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, भाषा की बात है, तो भाषा की बात में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप पाठ से चुनकर लिखना है हमें। तो देखिए ये आपके तमसम है, तो तमसम को हमें किस में बनाना है, तद्भव में बनाना है। तो फर्स्ट क्या है, नित्य, तो नित्य का क्या हो जाएगा, नाच हो जाएगा, गृह का घर हो जाएगा, संध्या का साँझ हो जाएगा, पहर का पहर ही होगा, गौ का गया हो जाएगा, पुत्र का पूत हो जाएगा, सिर का सिर, धरनी का धरनी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द लिखना है, तो आयो का क्या हो जाएगा, पायो हो जाएगा, लपटायो का पठायो हो जाएगा, कहायो का जनयो हो जाएगा, नचायो का लगायो हो जाएगा, खायो का जायो हो जाएगा, ऐहो का लयह हो जाएगा। तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप अपने बुक से वाक्य ढूंढकर अपने से आपको बनाना है। आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट पास पाठ लेके आएंगे। थैंक यू।